आईपीएल सीजन 15 से पहले एक बड़ी खबर है। आईपीएल सीजन 15 से पहले क्रिकेटर्स की मेगा ऑक्शन होगी। तमाम 8 पुरानी फ्रेंचाइजीज ने अपने अपने रिटेन्ड खिलाड़ियों के लिए बीसीसीआई को सौंप दी थी। दोनों नई टीमें यानी कि लखनऊ और अहमदाबाद फ्रेंचाइजी के पास 25 दिसंबर तक का वक्त है कि वो अपने रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट बीसीसीआई को सौंपे। और अपडेट ये है कि अब अहमदाबाद और लखनऊ इन दोनों ही फ्रेंचाइजीज ने अपने अपने रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट बीसीसीआई को सौंप दी है। यही नहीं, इन दोनों ही फ्रेंचाइजीज ने अपने लिए कप्तान भी चुन लिए हैं। तो अब रास्ता साफ हो चुका है आईपीएल की क्रिकेटर्स की मेगा ऑक्शन को लेकर। लेकिन रिटेन खिलाड़ियों को लेकर क्या है इन दोनों ही टीमों का फैसला, जानने के लिए देखें हमारी रिपोर्ट। आईपीएल की सबसे महंगी यानी कि 7,090 करोड़ की लखनऊ फ्रेंचाइजी और 5,625 करोड़ रुपयों की कीमत वाली दूसरी सबसे महंगी अहमदाबाद फ्रेंचाइजी का सीजन 15 में कप्तान कौन होगा, ये वो सवाल है जिसका जवाब अब बीसीसीआई को मिल चुका है। क्योंकि सूत्रों के माने तो दोनों ही फ्रेंचाइजी टीमों ने अपने अपने रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल को भेज दी है। और सूत्रों की ही माने तो बीसीसीआई की तरफ से इस फैसले की जानकारी जल्द अब क्रिकेट फैंस के साथ साझा भी कर दी जाएगी। सूत्रों की माने तो लखनऊ की फ्रेंचाइजी ने पंजाब किंग्स से कप्तानी विवाद के बाद खुद को अलग करने वाले केएल राहुल को अपनी टीम का पहला रिटेन खिलाड़ी चुना है, जिन्हें फ्रेंचाइजी की तरफ से करीब 18 करोड़ रुपए मिलेंगे। टीम ने दूसरे रिटेन खिलाड़ी के तौर पर विदेशी क्रिकेटर राशिद खान को चुना है। इसके अलावा लखनऊ फ्रेंचाइजी के तीसरे रिटेन खिलाड़ी ईशान किशन होंगे। तय नियमों के मुताबिक दोनों नई फ्रेंचाइजियों को क्रिकेटर्स की मेगा ऑक्शन से पहले 25 दिसंबर तक तीन तीन क्रिकेटर्स को रिटेन करने की खास मोहलत दी गई है। इसके लिए टीमों को अपने पहले रिटेन खिलाड़ी को कम से कम 15 करोड़ रुपयों की फीस, दूसरे रिटेन खिलाड़ी को कम से कम 11 करोड़ रुपयों की फीस और तीसरे रिटेन खिलाड़ी को कम से कम 7 करोड़ रुपए देने होंगे। लेकिन क्रिकेटर के मोलभाव करने पर या उसे मेगा ऑक्शन में जाने से रोकने के लिए फ्रेंचाइजी क्रिकेटर की फीस को बढ़ा भी सकती है। केएल राहुल के मामले में रिटेंशन फीस के 15 से 18 करोड़ रुपए तक बढ़ाए जाने की यही वजह मानी जा रही है सूत्रों के मुताबिक। दूसरी तरफ अहमदाबाद टीम ने भी अपने चॉइस के पहले दो क्रिकेटर्स के नाम बीसीसीआई को सौंप दिए हैं, जबकि तीसरी रिटेंशन के लिए दो क्रिकेटर्स के बीच मोलभाव जारी है। उम्मीद के मुताबिक अहमदाबाद टीम के कप्तान होंगे युवा क्रिकेटर श्रेयस अय्यर। अय्यर अहमदाबाद फ्रेंचाइजी की पहली चॉइस वाले क्रिकेटर हैं। अय्यर को इस रिटेंशन के लिए करीब 16 करोड़ रुपयों की फीस मिलेगी। इसके अलावा अहमदाबाद टीम के अन्य रिटेन क्रिकेटर हैं हार्दिक पांड्या। हालांकि हार्दिक पांड्या रिटेंशन में सेकेंड चॉइस हैं या फिर थर्ड चॉइस, ये अभी तय नहीं है। सूत्रों के मुताबिक श्रेयस और हार्दिक के अलावा विदेशी क्रिकेटर की रिटेंशन के लिए अहमदाबाद फ्रेंचाइजी साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर से भी चर्चा में है। उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में इस सस्पेंस से भी पर्दा हट जाएगा। अपडेट ये भी है कि आईपीएल सीजन 15 से पहले होने वाली क्रिकेटर्स की मेगा ऑक्शन के लिए दो दिन 8 और 9 नवंबर 2022 को तय करने के बाद फ्रेंचाइजी मालिकों की उपलब्धता पूछी गई है। बीसीसीआई अब फ्रेंचाइजी टीमों की साझा उपलब्धता जानने के बाद मेगा ऑक्शन के लिए इन दोनों दिनों में से किसी एक दिन को ऑक्शन के लिए तय कर सकती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा।